Okay, yeah, hi, Tishan, welcome. First of all, Tishan, जानना चाहेंगे कि how does it whole journey starts for you from modeling to film industry? How did the journey start? मेरी जर्नी 2011 में शुरू हुई थी. मैं बॉम्बे में आया था 2011 में. तो मैंने अपना करियर एज अ मॉडल स्टार्ट किया और मैं पहले काम करता था. मैं दिल्ली में गुड़गांव में एक कॉर्पोरेट सेंटर में काम करता था. वो जॉब छोड़ी, मॉम डैड को बोला कि डैड मुझे ये काम नहीं करना है, आई वांट टू शिफ्ट बॉम्बे. सो काफ़ी टाइम लग गया मॉम डैड को कन्विंस करके करने में, पर फिलहाल उसके बाद वो मान गए, बॉम्बे आ गया. बॉम्बे में आया, उसका अलग ही स्ट्रगल था जब स्टार्टिंग, जब तुम आते हो, तुम्हारा कोई बैकग्राउंड नहीं है, पैसे ज़्यादा नहीं है, तो उसका एक अलग ही स्ट्रगल है, काम ढूंढना, घर का रेंट पे करना, बिल पे करना. तो कहीं ना कहीं वो मेरे दिमाग में था कि ये जर्नी आसान नहीं रहेगी, पर धीरे 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 काफ़ी लोगों से मिला, नए लोग, नए दोस्त बने और मॉडलिंग शुरू की. फिर उसके बाद लैक्मे का अपॉर्चुनिटी मुझे लैक्मे में मिली, वहाँ पे मैंने काफ़ी साल काम किया, करीबन दो साल तक मैंने काम किया. और उसके बाद मॉडलिंग मैं इसलिए करता था ताकि मैं अपना बिल पे, अपने घर का रेंट, बिल, जो खर्चे हैं, आम खर्चे हैं, वो मैं पे कर सकूं. पर लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में था कि मुझे एक्टिंग ही करनी है. तो उसके कुछ सालों बाद मैंने पिछले साल जाके थिएटर ज्वाइन किया. थिएटर ज्वाइन करने के बाद मैंने कुछ परफॉर्मेंसेस, लाइव परफॉर्मेंसेस दी स्टेज पे. और फिर उसके बाद लास्ट ईयर मैंने ऑडिशन दिया इस फिल्म का, और इस फिल्म में मुझे डायरेक्टर ने मौका दिया काम करने के लिए. सो डू यू रिमेंबर योर फर्स्ट ऑडिशन फॉर सरबजीत? मींस व्हाट वाज इट, क्या ब्रीफ उमंग ने रखा था आपके लिए खास? जी, मैं आपको अगर सच बोलूं, मुझे ये ऑडिशन का जो था, ऑडिशन जो प्रोसेस, जब ऑडिशन शुरू हुआ था इस फिल्म के लिए, मुझे एक दोस्त ने मुझे इस ऑडिशन के बारे में बताया था कि ऐसे से उमंग सर की फिल्म के लिए ऑडिशन चल रहा है और उनको एक कैरेक्टर की ज़रूरत है. एक कैरेक्टर के लिए दे आर लुकिंग फॉर अ गाय जो पंजाबी बोल सके और थोड़ी उसकी लुक पंजाबी हो. तो दिसंबर में लास्ट ईयर इनका ऑडिशन चल रहा था, तो मैं उनके ऑफिस गया, मैंने ऑडिशन दिया और काफ़ी कैरेक्टर्स के लिए मैंने बेसिकली ऑडिशन दिया था. तो ये जो मनिंदर कैरेक्टर है, इसमें मैं फिट बैठा. तो फिर उन्होंने वीडियो टेप देखा, उनको उन्होंने पसंद किया और कुछ टाइम बाद मुझे वहाँ से कॉल आया. Tell something about your character मनिंदर, किस तरह का किरदार है, क्या कुछ फिल्म में कितना अहम है ये किरदार आपके लिए? फिल्म में जहाँ तक मेरे किरदार की बात है, ये क्या कहते हैं, मैं सरबजीत के बेस्ट फ्रेंड का रोल प्ले कर रहा हूँ. और ये कैरेक्टर है जो सरबजीत के बहुत क्लोज है. अब बेस्ट फ्रेंड है तो ऑब्वियसली क्लोज हो गई. तो हम दोनों की केमिस्ट्री बहुत ही अच्छी है फिल्म में. अगर आप देखेंगे बहुत ही अच्छी है. हम मजाक करते हैं, हम डांस करते हैं और हमारे कुछ ऐसे सीन्स हैं जहाँ पे लोगों को काफ़ी हंसी आएगी. तो ऐसे ऐसे कुछ छोटे छोटे मोमेंट्स हैं जो आम जिंदगी में दोस्त लोग करते हैं. तो उनके साथ काम करने में, उनके साथ खड़े होने में, उनके साथ बात करने में, उनके एक्सपीरियंस जब उन्होंने अपने साथ मेरे साथ शेयर किए, वो बहुत ही इंस्पायरिंग थे. क्योंकि जब अगर इस फिल्म के लिए उन्होंने 20 kg लूज़ किया, तो जब उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे से मैंने इस कैरेक्टर के लिए किया, तो वो तुम्हें भी इंस्पायर करता है. तो बस एक्सपीरियंस मेरा उनके साथ बहुत अच्छा रहा. और इस कैरेक्टर में यही है कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं और जब आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा. इवन यू एक्सपेरिमेंट अ लॉट विद योर लुक आल्सो, सो टेल अस अबाउट इट. मींस व्हाट वाज द होल प्रोसेस ऑफ योर लुक, मींस और इज दैट द ओनली ब्रीफ दैट यू हैव टू प्ले अ पंजाबी गाय, सो यू हैव टू ग्रो अ बियर्ड एंड ऑल, बट योर ओन प्रिपरेशन फॉर द कैरेक्टर? सी, माय एज फार एज माय प्रिपरेशन वाज कंसर्न, आई हैड टू पुट ऑन अ लिटिल बिट ऑफ वेट. So I gained somewhere around 3 or 4 kg somewhere around, and I had to bulk myself and along with the beard, with beard as well. So my preparation was only to gain weight, to
increased a little bit of weight and increased a little bit of beard as well. So that was the all preparation I had to do. And along with, जहाँ तक फिल्म की बात की जाए, जब मुझे मुझे कहा गया कि आप ये फिल्म करेंगे तो मैं बहुत एक्साइटेड था. मैं सीरियसली बहुत एक्साइटेड था क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरी पहली फिल्म होगी. जो भी है, जो पहली फिल्म है, मैं ऐश्वर्या राय बच्चन जी के साथ या रणदीप हुड्डा जी के साथ काम करूँगा और प्लस उमंग कुमार जो नेशनल अवार्ड विनिंग डायरेक्टर है. तो मेरी नर्वसनेस बहुत थी क्योंकि जब मैं पहले दिन सेट पे गया था, मुझे अभी भी याद है, मैं बहुत ही ज़्यादा नर्वस था. तो बट ऑल द क्रेडिट गोज टू उमंग कुमार जो जिन्होंने मुझे बहुत ही सपोर्ट दिया थ्रू आउट द फिल्म. सो डू यू सिमिलर टू योर मनिंदर कैरेक्टर्स अ लॉट और देयर विल बी अ सिमिलर डिफरेंशिएट? हाउ डू यू डिफरेंशिएट? मैं जब शूट कर रहा था अमृतसर में तो उनकी पूरी फैमिली आई थी. दलबीर, उनके उनके जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सेट पे आए थे सबसे मिलने के लिए. मेरी उनसे मुलाकात तो नहीं हुई मनिंदर जी से, बट लेकिन मुझे कहा गया था जब मैं शूट कर रहा था, मेरे को किसी क्रू मेम्बर ने बोला भी था कि यार मनिंदर आया हुआ है, बट मुझे मौका नहीं मिल पाया. अगर मुझे मौका मिलता तो ज़रूर मैं उनसे मिलता. आपके लिए क्या टफ था बीइंग मनिंदर? मेरे लिए टफ क्या था? टफ मैं क्योंकि मैंने उनको कभी देखा नहीं. सीरियसली मैं सच बोलूँ तो मैंने उनको देखा नहीं, मौका भी नहीं मिला. अगर मुझे मौका मिलता ज़रूर उनको देखता कि वो पहले यंग कैसे दिखते थे. तो अगर देखा नहीं तो फिर ऑफकोर्स आई हैड मुझे पूरा अगर आप उमंग सर की बात की जाए, उनकी एक विजन थी इस कैरेक्टर को लेके. तो आई एम श्योर कि वो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर से मिलता ही होगा, तभी उन्होंने मुझे सेलेक्ट किया है, अदरवाइज वो मुझे सेलेक्ट नहीं करते. तो वही हुआ. I'm sure वो कहीं ना कहीं उनसे मिलता जुलता होगा मनिंदर से, रियल कैरेक्टर से जो है. And what was the thought process going when you were on a set and your shot was ready with Aishwarya Rai Bachchan? What was क्या चल रहा था उस वक्त दिमाग में आपके? क्या चल रहा होगा? जब मुझे मेरा पहला सीन था ऐश्वर्या राय बच्चन जी के साथ, तो वो जो नर्वसनेस थी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं जब डायलॉग बोलने, जो मेरा सीन था, कुछ कुछ कहीं ना कहीं तो मैं फंबल करने लग गया. मैं लाइंस नहीं बोल पा रहा था. तो शी इज़ अ वेरी सपोर्टिव एक्ट्रेस. उन्होंने बहुत सपोर्ट किया. उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया कि तू ये मत सोच, उन्होंने मुझे बोला ये मत सोच कि आई एम देयर, सो जस्ट गो विद योर लाइन, गो विद योर फ्लो. एंड क्यों ना हो, जब शूट कर रहा था वो भी थे सामने, आसपास 400-500 लोग भी थे, तो वो नर्वसनेस तो आई थिंक बनती है. तो बस उन्होंने काफ़ी हेल्प की मुझे. Well, as the promo out and people are appreciating it a lot, so any such compliment you got from any from your family, friends or anything you got for the trailer or for your characters? ट्रेलर की जहाँ तक बात की जाए, ट्रेलर में मैं हूँ नहीं, बट जब मैंने अपनी फैमिली को बताया कि मैं इस फिल्म जब सिलेक्ट हुआ था मैं इस रोल के लिए, जब मैंने अपनी फैमिली को बोला तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए थे क्योंकि सबको सरबजीत के बारे में जहाँ तक बात की जाए, सबको जानना है कि सरबजीत के साथ क्या हुआ था 23 साल पहले. तो अभी भी लोगों के दिमाग में ऐसे ऐसे सवाल हैं कि जो अभी भी वो जानना चाहते हैं. तो इस फिल्म के दौरान, इस फिल्म जब रही है, जब फिल्म रिलीज़ होगी, तो आई एम श्योर बहुत से ऐसे सवाल हैं जो आई थिंक क्लियर हो जाएंगे. जब मैंने अपने मॉम डैड को बोला कि मैं इस फिल्म का हिस्सा हूँ, तो वो काफ़ी खुश हुए. उन्होंने काफ़ी ब्लेसिंग्स दी और बस यही हुआ और कुछ नहीं. In future, would you like to कुछ ऐसा particular stick आप रहना चाहते हैं कि I want to do say this kind of role only or such kind of thing, or you want to explore the whole stuff? Anything is in your mind, but you want to like to say? There is nothing specific. See, I am an artist. तो मैंने theater किया है, तो theater मैंने यही सीखा है कोई चीज़ छोटी बड़ी नहीं होती. ये तुम्हारे ऊपर ही है उस चीज़ को तुम कैसे ऑडियंस के सामने लेके आते हो. अगर मुझे बोला गया, अगर मुझे अगली कोई फिल्म मिलती है और मुझे बोले कि ये किरदार है और आपको ये निभाना है,
मुझे लगेगा कि आई कैन गिव जस्टिस टू द कैरेक्टर, आई विल डेफिनेटली गो फॉर इट एंड डू दैट कैरेक्टर. शो आई मीन मेरे मेरे माइंड में ऐसा कुछ आई मीन मैंने कुछ कैटेगराइज नहीं करा हुआ कि मुझे यही रोल करना है, इसके अलावा मैं ऐसे कोई रोल करूँगा नहीं. मुझे जो रोल मिलेगा मैं वो करूँगा. जहाँ तक रही बात निभाने की, अगर मैं उसको निभा पाऊँगा तो ज़रूर. Any dream role means in that particular you just want to play or you just love to be in that dream role? ड्रीम रोल ऐसा कुछ है नहीं मेरा. जैसे मैंने कहा है कि मैं आई मीन आई एम एन आर्टिस्ट, तो ऑफकोर्स हर कोई एक्टर चाहता है कि यू नो टू प्ले यू नो कैसनोवा काइंड ऑफ अ कैरेक्टर, यू नो द एक्शन पैक्ड रोल्स. तो ये मेरी भी ख्वाहिश है, बट ऐसा कुछ ड्रीम नहीं है. मिलेगा जरूर करूँगा मैं. Just only 2 days left for the release. So, are you nervous for the film? और क्या होगा आपके किरदार के लिए, क्या कुछ लोग कहेंगे, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में या कुछ क्या चल रहा है अभी इस वक्त? क्या goosebumps और what? Nervousness तो है, वो तो बहुत है, क्योंकि अब सिर्फ 2 दिन ही बचे हैं फिल्म को रिलीज होने में, फिर ऑडियंस के पास ऑडियंस के सामने ये फिल्म आ जाएगी. तो नर्वसनेस तो है, बस मैं यही चाहता हूँ कि हम लोगों ने बहुत मेहनत की है. मेरे अलावा आई मीन मेरे अलावा क्या, आई मीन रणदीप हुड्डा की बात की जाए, ऐश्वर्या राय बच्चन जी या ऋचा चड्ढा जो इस फिल्म में है, इन सब ने बहुत मेहनत की है ये फिल्म को पूरी अच्छे उस लेवल पे लाने के लिए. तो बस यही है कि लोगों को बस फिल्म पसंद आए और अप्रिशिएट करें. एनी ऑफ शॉट यू रिमेंबर, कुछ सेट पे कुछ मस्ती मजाक या कुछ ऐसी कोई बात आपको लगी होगी यू वुड लाइक टू शेयर विद द ऑडियंस, या ऐसा कुछ वेदर विद ऐश्वर्या या फिर रणदीप के साथ शूट करते वक्त आपको याद हो? रणदीप के साथ सी, जैसे मैंने मैंने बताया कि रणदीप का मैं अच्छा दोस्त प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, तो कुछ ऐसे फनी मोमेंट्स तो नहीं, बट वो कभी कभार वो मजाक कर देते थे कि यू नो तेरी शक्ल, आई मीन यू वुड हैव प्ले सौरभ जी बिकॉज तेरी लाइट आइज हैं और तू ब्रदर दिखता भी है, तो वो मजाक में बोलते थे. तो ये चीज़ होती थी, बट लेकिन ऐसा कुछ फनी मोमेंट नहीं है कि जहाँ कुछ फुल ऑन मस्ती चल रही है, क्योंकि इट्स अ सीरियस फिल्म. तो सीरियस फिल्म में तो अपने सब कैरेक्टर्स में रहते थे, जब भी हम सेट पे बाकी जो एक्टर्स हैं वो रहते, जब भी उन मौका मिला तो वो सिर्फ और सिर्फ सीरियस ही, ऐसा कुछ फनी मोमेंट नहीं हुआ. But do you feel that being part of such ensemble cast and that helps you a lot being means to grow up your acting skill more? Yes, definitely. When if you are part of this big project, जहाँ पे सभी मंझे हुए कलाकार हैं और जहाँ पे उमंग कुमार हैं, जो तुम्हें पता है कि if you are part of this film, you will get to learn so many things. मेरा ये फिल्म का जुड़ना एक ये भी रीज़न था, क्योंकि जब तुम ऐसे कोई प्रोजेक्ट के साथ जुड़ते हो, तुम्हारे रोल के साथ साथ तुम्हारे एक्सपीरियंस भी बहुत बढ़ता है, तुम्हारा विजन, तुम्हारा एक्सपोजर बहुत बढ़ता है, क्योंकि तुम बहुत से कलाकार्स को देखते हो कि वो क्या कर रहे हैं, हर एक चीज़ तुम देखते हो. तो वो मैंने बहुत सीखी है, बहुत देखी भी है, बहुत ऑब्जर्व भी किया है. तो आई एम श्योर ये जो एक्सपीरियंस है आगे जाके मुझे आई मीन आई होप कि वो काम आए. और व्हाट सॉर्ट ऑफ मींस अभी आई गेस फिल्म रिलीज होने के बाद यू गोना गेट लॉट्स ऑफ ऑफर फॉर द फिल्म मोर आई होप सो और ऐसा कुछ, बट डू समटाइम्स इट हैपेंस कि एक उसी जोन में प्रोड्यूसर आप भी और ऑडियंस भी देखना पसंद करती है, तो वुड यू लाइक टू गो अहेड विद सच काइंड ऑफ रोल एज अ पंजाबी गाय और समथिंग? लव टू. अगर आप देखी जाए देखा जाए तो पिछले काफ़ी सालों में बहुत सी पंजाबी फिल्मों में बहुत सा पंजाबी एलिमेंट होता है, चाहे वो गाने हों, चाहे वो एक्टर्स हों, और अब एक्टर्स हों, बहुत हमने देखा है कि पंजाबी एलिमेंट फिल्म के अंदर होता ही होता है. अगर मुझे मौका मिला कि फिर दोबारा से पंजाबी रोल प्ले करना है तो मैं ज़रूर करूँगा, क्यों नहीं. हमें पंजाबी गाय से ऑफ कोर्स आई एम गोना डू इट फॉर श्योर. लास्टली एनीथिंग यू लाइक टू से टू द व्यूअर्स फॉर द फिल्म? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये फिल्म सब ने बहुत मेहनत की है इस फिल्म को बनाने के लिए. जो भी इस फिल्म से जुड़े हुए हैं सब ने बहुत मेहनत की है. संदीप सिंह जो प्रोड्यूसर हैं इस फिल्म के, उमंग कुमार और बाकी सब जो भी लोग हैं,
मैं ये कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप फिल्म को देखिए. ये फिल्म मैं ये कहूँगा कि बस आप देखिए. यू 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 गाइज विल नॉट गोना गेट डिसअपॉइंटेड फॉर द आफ्टर वॉचिंग दिस फिल्म. दिस इज़ अ एपिक फिल्म. प्लीज़ गाइज वॉच ऑन 20th of May 2016 नियर थिएटर्स.